सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 20 के सेकंड पार्ट में, जहां हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पुलिस रिटन एग्जाम के लिए एकदम इंपोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा इससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य शामिल है, जिसका सही आंसर है 31 और जिसका सबसे पहले आंसर दिया है वो है अरमान सिंह और लट्टू झा और अंकित धामा, इन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। लेकिन दोस्तों आंसर काफी लोगों ने दिया है और सही भी दिया है, काफी लोगों ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। तो चलिए दोस्तों सुपर 20 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला सुपर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, यानी कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 11। हाँ, हमारे मूल कर्तव्य में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं, मूल कर्तव्य 11 है। तो चलिए दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, यानी कि भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। इसका आंसर दोस्तों भाग 3 में ही, संविधान के भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यानी कि मौलिक अधिकारों से अब कौन सा अधिकार निकाल दिया गया है। इसका दोस्तों आंसर आपको बता दूं, वो है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों पहले जब मौलिक अधिकार बने थे तो 7 अधिकार बने थे, जिसमें अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब इसका भाग नहीं है, अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। इसका आंसर है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर है दोस्तों इसका 32वें अनुच्छेद के अंतर ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। चलते हैं दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन पर, वो क्या है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर है दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा। अगर कोई भारतीय नागरिकता अपनाना चाहता है तो वो गृह मंत्रालय द्वारा ही उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल क्या है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको कौन निर्वाचित करता है या किसके द्वारा वो निर्वाचित होता है। इसका दोस्तों आंसर है संसद के दोनों सदन के सदस्य, यानी कि संसद के जो दो सदस्य है राज्यसभा और लोकसभा, उसके सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करते हैं यानी कि चुनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, वो क्या है, कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन की चर्चा की गई है, यानी कि कौन कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन का जिक्र है। दोस्तों हमारी 3 आपातकालीन है, यानी कि भारतीय संविधान में 3 आपातकालीन है, वो कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसका दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। दोस्तों इस चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या है, किसी राज्य में राज्य व्यवस्था को भंग किस अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है, यानी कि अगर कोई राज्य में राज्य व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो वो किस अनुच्छेद द्वारा भंग की जा सकती है। दोस्तों वो इसका सही आंसर है 356 अनुच्छेद द्वारा ही किसी राज्य की राज्य व्यवस्था भंग की जा सकती है। दोस्तों 356 अनुच्छेद बता दूं मैं आपको क्या है, 356 अनुच्छेद है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी कि अगर कोई राज्य है उसमें या मुख्यमंत्री जो भी है उसकी राज्य व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है और खुद वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको अपना त्याग पत्र देगा या संबोधित करेगा। दोस्तों इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी जरूरी है। अगर दोस्तों कोई भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसे कितनी उम्र पूरी करनी करी होनी चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है 35 वर्ष,
अगर किसी ने 35 वर्ष अपनी उम्र के कंप्लीट कर लिया तो वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। दोस्तों चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों सही आंसर है इसका दो। राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सभापति कौन होते हैं? यानी कि जो भारत आर्मी फोर्स है जितनी भी, उसके सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन है? उसकी सारी पावर किसके हाथ में है? सही आंसर दोस्तों इसका है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ही हाथ में सारी आर्म फोर्स यानी कि सेना की पावर निहित होती है, सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में ही निहित होती है, इसलिए राष्ट्रपति सेनापति कहलाता है सभी आर्म फोर्स का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री। मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग क्या है। दोस्तों जब भी कोई योजना देश में कोई भी योजना बनाई जाती है, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुआ था, जो भी हुआ था, जो योजना आयोग होते हैं जिसके इसके जितने भी सदस्य हो, जितना भी बड़ा ये आयोग है, जो उसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की देखरेख में योजना आयोग की सारी प्रोसेसिंग यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो की जाती है। दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है? दोस्तों इसका सही आंसर है तीन प्रकार की, वो कौन कौन सी है? 352, 356 और 360। 352 क्या है दोस्तों? जो 352 है, अगर कोई भारी आक्रमण होता है तो देश में 352 आपातकालीन व्यवस्था लागू होते हैं। 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, 352 अनुच्छेद जो भी आपातकालीन व्यवस्था अनुच्छेद 356 में आते हैं वो लागू होती है। और 360 है वित्तीय आपात, अगर देश में वित्तीय आपात की स्थिति यानी कि धन की कमी या जो भी है तो 360 व्यवस्था लागू की जाती है। तो इस प्रकार भारत में आपातकालीन व्यवस्था तीन प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो इन दोनों के पद पर काम करेगा। और जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो भी वेतन होता है वो ही इसके इसे मिलेगा, क्योंकि ये उनके पद पर जो काम करता है उसके सारे भत्ते इसको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो देखते क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो राज्यसभा का है उसका अध्यक्ष कौन है या सभापति कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दो बार राष्ट्रपति कौन बना? यानी कि लगातार दो बार भारत का राष्ट्रपति कौन बना? इसका आंसर है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ही भारत के लगातार दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है? यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी दो बार आ चुका, आपात स्थिति कितनी प्रकार की आपात है? दोस्तों वही तीन प्रकार की है, 352, 356 और 360, आपातकालीन व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। दोस्तों इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार दो बार कौन रहा था? दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ही दो बार लगातार उपराष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये तो थे आज के सुपर 20 क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि जो सबसे सुपर क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए, वो देखते हैं क्या है और जिसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। दोस्तों वो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? एक बार और सुन लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कुछ सदस्य चुने जाते हैं जो कि कला संस्कृति से निहित होते हैं, वे बताने हैं आपको राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है राज्यसभा के लिए। तो चलिए दोस्तों आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी सुपर 20 की सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब मैं इसका पार्ट 3, सुपर 20 का पार्ट 3 लेकर आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसे देख सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सुपर 20 के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।